chairperson of Z Media Group and Member of Parliament Subhash Chandra speaking at Uttar Pradesh Investment Summit. Let's listen in. जिस प्रकार से आपने बड़ी ईमानदारी से जितने MOU साइन किए, मुझे याद आता है पिछली सरकारों की कुछ बात उत्तर प्रदेश की, जब हमने 30,000 करोड़ रुपए के MOU साइन किए, लेकिन केवल 3,000 करोड़ का काम पिछले 3 सालों में कर सके। लेकिन इस बार जब हमारे अधिकारी और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी मिलकर पहली योजना हमने 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की यहां बनाई, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट जो कठिन थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उसको काट करके उस MOU को जो हमने साइन किया है 18,750 करोड़ कर दिया। ये एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप केवल MOU नाम के वास्ते साइन नहीं कर रहे हैं, सच्चाई में उसको निमंत्रित करने के लिए और उसको कारगर करने के लिए कर रहे हैं। केवल एक ही बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा। जिस प्रकार से हम उद्यमियों को ये पता है, जैसे मेरे ग्रुप में यदि आज 20,000 लोग काम करते हैं, तो भले ही मैं चेयरमैन हूं अपने ग्रुप का, लेकिन मुझे पता है कि 19,999वां व्यक्ति भी यदि मेरे निर्णय को सपोर्ट नहीं करेगा तो वो काम अधूरा रह सकता है। उसी प्रकार से कई राज्यों में हम लोगों का अनुभव आया कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी कई प्रोजेक्ट सुनने को प्राप्त हो जाते हैं। ये बात आपको योगी जी को भली भांति मालूम है, और हमने पिछले 2 महीने में जो इनके साथ काम किया, उनके अफसरों के साथ और के साथ, वाकई मैं मन से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश एक नया उत्तर प्रदेश के रूप में उभर रहा है। मैं मेरे सभी उद्यमी साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खुले मन से उत्तर प्रदेश में आए और उत्तर प्रदेश का साथ दें, उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बने, ताकि भारत का भी विश्व में नाम उत्तर प्रदेश के कारण से भी चमके। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।